कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शुक्रवार ने महानगर पालिका में महासभा रखी रही जैमें केतरन मुद्दन ते चर्चा थी। सभागृह नेता राजेंद्र चौधरी के ए विरोधी पक्ष जो नेता किशोर वनवारी के चूंडियो गयो। शुक्रवार को उल्लासनगर महानगर पालिका में महासभा का आयोजन हुआ। इस महासभा के दौरान ये उम्मीदें थी कि शहर के मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से इस सभा को यानी कि महासभा को स्थगित होना पड़ा। बहरहाल महासभा के दौरान दो महत्वपूर्ण बातें जो है सामने आई, जिसमें से पहले ये रहा कि सभागृह नेता के रूप में राजेंद्र चौधरी को चुना गया, वहीं भाजपा के विरोधी पक्ष नेता के रूप में किशोर वनवारी को चुना गया। इसके साथ ही इस महासभा में एक महत्वपूर्ण चर्चा भी किया गया, जिसमें रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। नगर सेवक अजीत गुप्ता ने रेगुलराइजेशन के मुद्दे को लेकर और रेगुलराइजेशन के रेट को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका से ये निवेदन किया कि इस पर कहीं ना कहीं कमी लाई जाए, जिससे रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में हो रही नागरिकों को दिक्कतें कम हो। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।